देखिए निश्चित रूप से देश है इसकी भव्यता को बढ़ाना, क्योंकि निश्चित रूप से जितनी हाइट होगी उतने ही दूर तक लोग उसको देख पाएंगे। तो बढ़ाने का मतलब यह है हमारे देश का गौरव और ऊंचा रहे और सिंगमौर पर पहुंचे। राष्ट्र ध्वज को स्थापित करके, राष्ट्र ध्वज 101 फीट का यह विराट और सुंदर ध्वज को स्थापित करके रुड़की के जो वासी हैं, रुड़की के जो निवासी हैं, वो सभी मेरे अत्यंत प्रिय हैं और मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य का विषय है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इन्हीं पंक्तियों को आज रुड़की के मेयर श्री गौरव गोयल ने सच करके दिखाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे झंडे का कद 50 फीट से 100 फीट कर दिया गया है, झंडे का कद बढ़ा दिया गया है इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे। तो आइए हम यहाँ के मेयर गौरव गोयल जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि झंडे को 50 फीट से 100 फीट करने का उद्देश्य क्या है। आइए चलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस कार्य के लिए। सर, ये बताइए झंडा 50 फीट से 100 फीट करने का उद्देश्य क्या है? देखिए निश्चित रूप से देश है इसकी भव्यता को बढ़ाना, क्योंकि निश्चित रूप से जितनी हाइट होगी उतने ही दूर तक लोग उसको देख पाएंगे। तो बढ़ाने का मतलब यह है हमारे देश का गौरव और ऊंचा रहे और सिंगमौर पर पहुंचे। ऐसी कामना करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज राष्ट्रीय ध्वज को हम और ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं, ऐसा हमारा प्रयास। सर, ये बताइए कि झंडे का हाइट ऊंची करने से झंडे का कद बढ़ेगा या काम अच्छा करने से झंडे का कद बढ़ेगा? देखिए काम तो अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही करने का प्रयास है नगर निगम द्वारा। आप देख सकते हैं 40 वार्डों में जो सफाई की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो निर्माण कार्यों की व्यवस्था हो, लगातार मेरे द्वारा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा गया। हमारे सारे पार्षद बड़े मुस्तैदी से लगे हुए हैं, नगर निगम का पूरा स्टाफ कर्मचारी सब एक मन से काम करके और निश्चित रूप से शहर को भव्य बनाने में लगा हुआ है। ऐसा पहले भी देखा गया है कि बहुत से मौके आए हैं लेकिन यहाँ झंडा नहीं लगाया गया है, तो अब इस व्यवस्था को सही किया जाए। ये जो ध्वज लग रहा है ये परमानेंट ध्वज है, बड़ा ध्वज है, ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था है इसमें और ये परमानेंट लगने वाला ध्वज है, हमेशा लगा रहेगा। सिर्फ साल में एक दो बार जब भी इसको साफ करना होगा उसी समय उतरेगा, वरना लगा रहेगा। इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? निगम की, हमारी नगर निगम की जिम्मेदारी है निश्चित रूप से इसकी। धन्यवाद। इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सब इंसानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यही नहीं कि नगर निगम की जिम्मेदारी इधर है, क्योंकि तिरंगा हमारी माँ है, तो माँ की इज्जत करना हर बच्चे का फर्ज है, तो हम अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसे मैं रोजाना मॉनिटरिंग करूँगा। मैं यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं सेना की 40 साल की सर्विस कर चुका हूँ, एज ए मेयर के द्वारा हम इसकी रोज मॉनिटरिंग करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और यदि इसमें जरा सा भी कोई फटना या कोई भी चीज़ हुआ तो मेयर से डिस्कस करके इसे उतार के फिर हम इसे रिपेयर करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं पहले भी ये काम करता रहा हूँ और जो बत्रा जी ने यहाँ पर लगवाया था उसके बारे में जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे हैं वो हमने बताया था और उसे सही करवाया था। सर, आप क्या कहने चाहेंगे कि जो सर ने बोला है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाए? भाई साहब की बात सुनकर इतनी खुशी हुई है, इतना मन प्रसन्न हुआ है, अपनी भारत माता के लिए इतने अच्छे कार्य में लगे हमारे भाई साहब, इसके लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। एक सैनिक तिरंगे की जो इज्जत करता है, जिसने अपने 40 साल तिरंगे की हिफाजत के लिए दे दी हो, उसका तो वचन ही गीता का वचन है, जान दे देंगे लेकिन तिरंगे को नीचे नहीं होने देंगे। मेरे बारे में शायद आप ना जानती हो लेकिन रुड़की लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और तिरंगे के लिए हम विशेष तौर पे टेलीफोन करके मेयर जी ने बुलाया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की नगर निगम के चेयरमैन और इनके सभी पार्षद, इनके सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इन्होंने रुड़की के इस चौक पर 101 फीट का गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया। मुझे लगता है कि आज रुड़की का जो स्थान नगर निगम का मेयर साहब के द्वारा जो एक मिला वो निसंदेह प्रशंसनीय है और बधाई के पात्र हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। आज इस राष्ट्र ध्वज को फहरा करके मुझे गौरव महसूस हुआ, क्योंकि मेरे शिष्य गौरव गोयल जी ने इसको स्थापित किया, इसलिए मुझे और भी गौरव महसूस हुआ। तो राष्ट्र ध्वज, क्योंकि कल प्रातःकाल पूरे देश के जो हमारे जनमानस हैं वो राष्ट्र ध्वज को सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे। राष्ट्र ध्वज सर्वोपरि है,
राष्ट्र ध्वज को स्थापित करके, राष्ट्र ध्वज 101 फीट का यह विराट और सुंदर ध्वज को स्थापित करके रुड़की के जो वासी हैं, रुड़की के जो निवासी हैं, वो सभी मेरे अत्यंत प्रिय हैं और मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य का विषय है। तो राष्ट्र ध्वज सदैव हमारा ऊंचा रहे, उसको लेकर के रुड़की नगर पालिका मेयर गौरव गोयल जी ने और इनके पूरे सभासदों ने, पार्षदों ने, इनके सहयोगियों ने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। परम पूज्य महाराज की। नागपुर जो अंधविश्वास निर्मूलन संस्था का जो चेयरमैन है, आज उसको नागपुर कमिश्नर ने क्लीन चिट दे दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को। ये जो भी आरोप लगाया गया था अंधविश्वास फैलाने का, वो निरपराध है, वो उसमें कोई दोष नहीं है और वो कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चा है, बालक हैं, अभी बहुत कम उम्र के हैं। हम सभी बड़े धर्माचार्यों का और धर्मानुरागियों का कर्तव्य बनता है कि उनका साथ दें और वो देश में, राष्ट्र में, समाज में यदि वो धर्म को लेकर आगे आ रहे हैं तो हमें उनका साथ और समर्थन मिलना चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।